आज का जो लेक्चर है वो पांचवा लेक्चर है मेरा, फिफ्थ लेक्चर रिवर बेड के बारे में, और रिवर बेड कंसोल लेने के बाद में किस तरह से बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे मेंटेनेंस में, सर्विस शेड्यूल, जॉब लाइसेंस या सॉफ्टवेयर अपग्रेड, रीबूट करना, सेट डाउन करना, सिक्योरिटी, जनरल सेटिंग क्या है, यूजर परमिशन, पासवर्ड पॉलिसी, रेडियस, टकास, एसएमएल क्या है और सिक्योर वॉलेट क्या है, मैनेजमेंट एसीएल क्या है, वेब सेटिंग, रेस्ट एपीआई एक्सेस, और सिस्टम सेटिंग में देखेंगे अनाउंसमेंट, अलार्म, डे टाइम, मॉनिटर पोर्ट्स, एसएनएमपी बेसिस, एसएनएमपी वर्जन 3, एसएनएमपी एसीएल, ईमेल करना, बाय डिफॉल्ट मेल आ जाए, लॉगिन, माय अकाउंट कॉन्फिगरेशन, ये बहुत सारी डिटेल्स आज वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्विस है, वो सर्विस कई बार ऐसा होता है कि हमने अनेबल किया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुई, तो हमें रिसेट करना, स्टॉप करना, जो हमने कर दिया वो गलत चल रही है, उस स्टॉप करना। तो कुछ चीजें हम सर्विसेज को अनेबल डिसेबल वाला स्टॉप स्टॉप करना या फिर रिस्टार्ट करना, स्टार्ट करना, तो ये आप देख सकते हो। और इसके बाद में हम सेकंड वाले आइकन में जाते हैं, तो शेड्यूल जॉब करना। शेड्यूल जॉब में जैसे कि आपने कुछ अपग्रेड किया, आपको लगता है कि उसमें एरर है या इश्यूज है या हमारे जो टास्क है वो पेंडिंग है, तो हमें एक्टिव इनएक्टिव करना, नॉन को भी हमें जानना कि भाई एक्चुअल है क्या। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं किस बेसिस पे क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हमें इसको क्लियर करना है या फिर हमें इसको अपग्रेड करना है। लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस के बारे में ये है कि जो हमने लाइसेंस ऑलरेडी डाला हुआ है वो एक्सपायर हो गया या हमें अपग्रेड करना है, रिफ्रेश लाइसेंस डालना है। तो हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड लाइसेंस पे डालूँ, तो ऐड लाइसेंस पे मैं लाइसेंस की डिटेल डाल सकता हूँ या फिर फीचर की डिटेल डालने के बाद मैं ऐड कर दूँ, ऐड के बाद में आपको यहाँ नीचे शो होगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें सेव करने के बाद में ये आइकन अभी ग्रे हो रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं कुछ ऐड करने के बाद में सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, या हमें ये सर्विसेज अप्लाई कर दी लेकिन हम यूज नहीं हो रहा, तो हम रिफ्रेश इसको रिफ्रेश सर्विसेज कर सकते हैं, रिस्टार्ट सर्विसेज में। इसके बाद में देखें तो रिबूट और सेट डाउन भी कर सकते हैं, किसी को रिबूट करना है, हमें पता है कि आज नहीं हम 2 दिन बाद में करना चाहते हैं, तो शेड्यूल आप कर सकते हो, रिबूट सेट डाउन करना है तो आप सेट डाउन भी कर सकते हो। तो ये मेंटेनेंस में ये डिटेल थी। अब सिक्योरिटी में देखें कि जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में आप जैसे कि ऑथेंटिकेशन मेथड 4 टाइप के, रेडियस ओनली, टकास के, लोकल रेडियस या फिर टकास लोकल में, रेडियस लोकल ट्रैफिक लोकल, काफी आप अपने हिसाब से जो सर्विसेज अप्लाई करना चाहते हो अपने ऑथेंटिकेशन मेथड का, तो ऑथेंटिकेशन लोकली आप डिफाइन कर सकते हो कि मैं लॉगिन किस तरीके से कर सकता हूँ, किस पॉलिसी के थ्रू कर सकता हूँ, किस मेथड के थ्रू मैं कर सकता हूँ, तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड है इसके लिए। और इसके बाद में आप देखोगे इसमें यूजर परमिशन, अब यूजर परमिशन में किसको आपने परमिशन दे रखा है, रोल्स किस किस का रोल क्या है, किसने किस बंदे को आपने सिर्फ यूजर बनाया है, किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं पासवर्ड पॉलिसी हमने क्या सेट की हुई है, पासवर्ड पॉलिसी का जो है बाय डिफॉल्ट अपना टाइम आउट कितना सेकंड के बाद में बाय डिफॉल्ट हो, लॉगिन अटेम्प्ट कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करवा सकते हैं, मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से हम जितना स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर अपने एज पर प्रोडक्शन एनवायरमेंट का जो पैरामीटर स्टैंडर्ड फिक्स है तो उसके हिसाब से हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में रेडियस के बारे में देखें, तो रेडियस में जो ग्लोबल डिफॉल्ट की है, ग्लोबल की क्या है, कंफर्म ग्लोबल की करना, टाइम आउट करना, रिट्री करना, अप्लाई करना, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में टकास प्लस में आप देखोगे कि सेम एज रेडियस की तरह ही है, लेकिन ये सर्वर जैसे कि आपको डिटेल भरनी है, एज पर आपको सेटिंग करनी है, टकास चल रहा है, रेडियस चल रहा है, आप उसके हिसाब से कॉन्फिगर कर सकते हो यहाँ पे। और एसएएमएल में मैन अपना जो मेटा डेटा की डिटेल्स है, आईडीबी कॉन्फ़िगरेशन है, सिक्योरिटी सेटिंग आपको करना है, एट्रीब्यूट आपकी डिटेल्स करनी है, तो ये सारी चीजें डिटेल के हिसाब से आप अपनी फिल कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सारी सेटिंग अभी आईडीबी कॉन्फ़िगर बिफोर ये इनवैलिड है, वैलिड है, हमें ये सारी चीजें हम स्टेटस के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई अभी अपने जो हमने यूज किया है वो वैलिड है या अनवैलिड है या प्रोसेस में काम नहीं कर रहा, तो हम उसमें एरर वेरीफाइंग करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। इसके बाद में सिक्योरिटी वॉलेट में ये डिटेल मिलती है कि हमें न्यू पासवर्ड सेट करना, नया पासवर्ड हमें चेंज करना एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो हम वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट एसीएल में हम एसीएल की सेटिंग कर सकते हैं, किसको हमें अलाउ करना करना है, किस टीसीपी पे पोर्ट नंबर हमें क्या देना है, सोर्स एड्रेस क्या है, इंटरफेस क्या देना है, और लोग पैकेट क्या है, एनेबल है, डिसेबल है, अलाउ, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे वेब सेटिंग में हम देखेंगे कि वेब के जो वेब है, वेब के लिए क्या हम डिफॉल्ट लॉगिन आईडी क्या यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या हमें वेब सर्टिफिकेट की डिटेल जाननी है तो ये डिटेल्स हैं। इसके बाद में पीएम की डिटेल चाहिए तो पीएम की डिटेल हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारा सर्टिफिकेट के रिलेटेड डिटेल्स हैं। और ये अपने जैसे कि रिप्लेस करना है, हमें ऑलरेडी अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करना है, जैसे कोई फाइल आप चूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो यहाँ से, या जनरल सीएसआर के बारे में डिटेल चाहिए तो डिटेल दे सकते हो आप, ये भर सकते हो, अपडेट करना है अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो रेस्ट एपीआई एक्सेस में हम देखेंगे कि कुछ रेस्ट एपीआई एक्सेस की सेटिंग अनेबल करना, डिसेबल करना, अप्लाई करना, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग बाय डिफॉल्ट अनेबल है। इसके बाद में हम लास्ट है ये सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में अनाउंसमेंट देखते हैं। अनाउंसमेंट में आप देखोगे रिवरबेड की जो लॉगिंग मैसेज है वो डिटेल हमें पता लग जाएगा, और आपको जैसे कि डिस्प्ले क्या हो, जैसे कि मैंने आप देखोगे इसके डैशबोर्ड पे तो एक्जैक्टली ऐसे वेलकम टू आरबी नेटवर्क होगा, तो हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं एज पर आवर, जैसे कि सिक्योरिटी फीचर हमें जैसे नेटवर्क डिवाइस पे हम बैनर मोड बनाते हैं तो बैनर मोड के हिसाब से तो देख सकते हैं, जैसे कि ये सेम शो हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम देखें इसमें अलार्म्स, अलार्म्स में हम देखेंगे कि जो डिटेल्स हैं किस
किस किस तरह के इश्यूज बने हुए हैं अपने नेटवर्क में या किस तरह के इश्यूज आए हुए हैं, तो अलार्म्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि सीपीयू कंट्रोल या मेमोरी हाई ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, किसको हमें अनेबल फीचर को अनेबल करना है या फेल कनेक्शन हो रहे हैं डिसेबल, ये बहुत सारे फीचर्स हैं आप देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस है एज पर सीपीयू मेमोरी टीसीपी कनेक्शन अनेबल डिसेबल एरर ये सारी चीजें हैं। और अलार्म में ये चाहते हो कि आप लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो बाय डिफॉल्ट मुझे एरर शो हो, तो हम यहाँ पे फीचर में अनेबल तो डेफिनेटली आपको होगा, और कुछ चीजें डिसेबल की हुई है आप उसका अलार्म शो या मतलब एज पर आप डिटेल नहीं चाह रहे कि ये आइकन बाय डिफॉल्ट मैं नहीं चाहता कि इसका एरर मुझे बार बार आए, आप डिसेबल कर सकते हो अपने हिसाब से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे डेट एंड टाइम, कई बार आपकी सेटिंग अपने जैसे यूएस के हिसाब से इंडिया के हिसाब से आपको सेटिंग करनी है तो सेटिंग कर सकते हो एज पर लोकेशन। और मॉनिटर मॉनिटर्ड पोर्ट्स में आप देखोगे कि जो अपने पोर्ट्स हैं पोर्ट्स नंबर क्या है या फिर किस पोर्ट्स पे क्या डिटेल मतलब पोर्ट प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ये प्रोटोकॉल डिफाइंड किया गया है विद पोर्ट के हिसाब से 21 है जैसे एफटीटीपी, आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो अप्लाई कर सकते हो, आपको एक प्रोटोकॉल चलाना है नंबर देके आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो अनेबल करना है या डिसेबल करना है आप देख सकते हो, रिमूव करना है आपको ये लगे कि मुझे रिमूव करना है तो मैं रिमूव कैसे कर सकता हूँ, या सिलेक्ट करोगे तो रिमूव भी हो जाएगा। इसके बाद में आप देखोगे एसएनएमपी बेसिस में आप देखोगे कि सिस्टम कॉन्टैक्ट किससे करें लोकेशन क्या है, ये हमें एज पर अपने फीचर्स अनेबल करने हैं डिसेबल करने हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये सिक्योर रहना चाहिए क्या रहना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद में वर्जन 3 में देखते हैं कुछ हमें अनेबल करना है तो यूजर डिटेल्स की अनेबल डिटेल दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो, आप उसे कंफर्म कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल वेरीफाई कर सकते हो, SHA चलाना है MD5 चलाना है, तो ये एसएनएमपी वर्जन 3 का है। इसके बाद में एसएनएमपी एशियल की डिटेल हम देख सकते हैं कि हमें जो ऐड करना है या रिमूव करना है सिक्योरिटी नेम रूप में या व्यू में, तो हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम सिक्योरिटी नेम हमें देना है कम्युनिटी स्ट्रिंग इससे हमारा मॉनिटर हो रहा है, तो एशियल ये होगा एसएनएमपी के थ्रू। इसके बाद में हमें कोई ग्रुप के थ्रू हमें ऐड करवाना है तो ग्रुप में हम डिटेल दे सकते हैं ये और ऐड कर सकते हैं, या ऑलरेडी किसी ग्रुप में आपने अपडेट किया है तो डेफिनेटली आप रिमूव करके ओल्ड ग्रुप को नए ऐड में कर सकते हो। इसके बाद में मैं ये चाहता हूँ कुछ भी एरर आए या बाई वीकली मुझे लैब की डिटेल मिले और तो मैं लैब की डिटेल भी ले सकता हूँ। इसके बाद में जैसे कि कुछ एरर आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। और लॉगिंग के बारे में मुझे जैसे कि पता करना है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉगिंग फाइल कितनी है, लॉग्स फाइल कितनी मेरी शो हो, डिस्प्ले कितनी हो, और पर लॉग्स डिटेल्स क्या हो, टाइमिंग क्या हो या डिस्पेस, ये सारी चीजें आप दे सकते हो अप्लाई कर सकते हो, रिमोट लॉग सर्वर आप अनेबल ऐड कर सकते हो रिमूव कर सकते हो, और लॉग्स एक्शन आप ले सकते हो। तो ये सारी लॉग्स के बारे में है जैसे कि हमें ऑडिट प्रोस्पेक्टिव हमें कुछ फाइलें चाहिए या फिर हमें लॉग्स की डिटेल चाहिए तो हम लॉग्स की डिटेल दे सकते हैं। लॉगिन में माई अकाउंट की डिटेल चाहिए तो अकाउंट की डिटेल आप वेरीफाई कर सकते हो, हमें पासवर्ड चेंज करना है माई अकाउंट का तो डेफिनेटली रिस्टोर कर सकते हो, डिफॉल्ट पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो आप से। और कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे कि पुरानी किसी ने सेव किया हुआ है आपको रिमूव करना है तो डेफिनेटली आप रिमूव कर सकते हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिटेल थी। बस आज का लेक्चर इतना ही, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और आगे मेरा रहेगा कि रिवर बेड में पॉइंट टू पॉइंट कुछ लैब बना के आपको समझाया जाए और डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जिस तरह के काम होते हैं उस तरह की एक लैब बनाई जाए, पर डे इस तरह की लेक्चर चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।